Yes, students. Okay. Yes, all of right now. Okay, we are live now, right? So welcome, students. बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो प्लासिबो पर, राइट? आपका अपना चैनल फॉर ए नीट प्रिपरेशन. And we are here, a complete team, okay, for your NEET preparation 2020, okay. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. जो हमारी NEET की सीरीज चल रही है, that is your most important question for NEET 2020, right? Okay. और आज की सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, that is movement and locomotion part वाला, locomotion part movements part 2, right? तो एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी आते हैं, डायग्राम के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट? फॉर न्यू स्टूडेंट वी हैव अ लिटिल बिग छोटा सा इंट्रो. हे, दिस इज योर एसपी गौतम सर, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, राइट? मैं बच्चों नीट और एम्स के लिए लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर चुका हूं, और बहुत से स्टूडेंट्स मेरे जो हैं मेडिकल कॉलेजेस में अच्छा कर रहे हैं, बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं हम लोग. राइट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी होती है कि हमारे पास कि टेलीग्राम ऐप का होना बहुत जरूरी है आपके मोबाइल्स के अंदर, आपके लैपटॉप पे, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स हम तक पहुंचा सकते हैं. और हम जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, सर मुझे इस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इसमें पुट करोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुल करने की कोशिश करता हूँ, राइट? तो आपको ज्वाइन करना टेलीग्राम ऐप बाय यूजिंग द t.me नीट प्लासिबो को, राइट? आप यूआरएल में डालेंगे तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर पाएंगे, और ज्वाइन करेंगे तो आप सीधे हमसे ज्वाइन हो जाएंगे. और बच्चों जो अपनी नीट 2020 के लिए एकदम डेडिकेटेड है, एकदम सीरियस है स्टूडेंट्स, उनके लिए यहां पर शेड्यूल तरीके से प्रॉपर मैनर में क्विज एंड टेस्ट, जो एकदम से नीट 2020 जहां पर एम्स भी मर्ज कर गया है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस हैं जो आप अवेल कर सकते हो ऑन योर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, राइट? यहां पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं हर फोर्थ क्लास, तीन क्लास के बाद हर फोर्थ जो क्लास होती है, दैट इज योर डाउट क्लियरिंग सेशन. तो उस सेशन का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. 50+ लाइव क्लासेस ले रहे हैं आपके एजुकेटर्स, लाइव एजुकेटर्स हैं वहां पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, राइट? जिनसे आप मोटिवेट हो सकते हो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, उनके मॉक टेस्ट, उनके कैप्सूल कोर्स, उनके क्रैश कोर्स, उनके मेगा कोर्स को अवेल कर सकते हो, और उनके साथ पर्सनलाइज लर्निंग कर पाओगे बच्चों, जिनमें मैं भी आपका अनअकैडमी प्लस पर क्लासेस ले रहा हूं, तो आप मेरी वहां क्लास अटेंड कर सकते हैं और अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, सर मुझे कैसे क्वालिफाई करना है, ऑल दीज थिंग्स वुड बी देयर. वेरी गुड. तो बच्चों करना क्या है इसके लिए? बहुत सिंपल सा तरीका है. आप क्या करेंगे, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, राइट? और डाउनलोड करने के बाद आपका बहुत सिंपल सा तरीका रहता है, आप जाएंगे प्लस को क्लिक करेंगे. प्लस जैसे क्लिक करते हैं आप, तो आपके पास ओपन होती है भाई कैटेगरी. आपकी कैटेगरी क्या है? नीट यूजी कैटेगरी है. आप नीट के लिए ट्राई कर रहे हैं, यूजी प्रोग्राम है, तो नीट यूजी कैटेगरी को क्लिक करेंगे. और अब आपके पास होता है कितने महीने के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं. सर मैं 3 मंथ करूंगा, सर मैं 6 मंथ, और सर कहता है मैं 12 मंथ या 24 मंथ. तो आप अपनी नीट पहचानिए कि मुझे सर जो है अभी देना है, तो और मैं चाहता हूँ 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करना हो, तो ये अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हो 12 मंथ का यूज करें, बहुत इकोनॉमिक होता है. और जो क्लास 11th में अभी आए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 24 मंथ का ही यूज करें, क्योंकि पूरे साल वह जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑल दोज आर हेयर एंड यू आर हेयर. तो आपको किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली. आप इसी सेटअप के थ्रू अपने घर पर रहकर अपने टाइम को सेव कर लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने फैकल्टी के साथ. इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको यहां पर टीच कर रहे हैं बच्चों, टॉप मोस्ट फैकल्टी, मेरा बड़ा ध्यान रखना, राइट? तो आपने करना क्या है, आपने इस सब्सक्रिप्शन वाले ऑफर को क्लिक करने के बाद रेफरल कोड पूछा जाता है, तो आप अपनी फीस को 10% डिस्काउंट कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस कोड. तो एसपीजी लाइव कोड को अप्लाई करो. अप्लाई करने के बाद आपकी फीस, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस जो है 10% डिस्काउंट होकर शो होगी, और जैसे वो शो होती है आप करना प्रोसीड पेमेंट एंड डन, फिर आपका काम
यहाँ फिनिश होता है, एग्जैक्टली आप प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने डेडिकेटेड फैकल्टी के साथ क्लासेस ले सकते हैं, आप मेरे साथ क्लास ले सकते हैं, आप बहुत सारे 50 फैकल्टीज हैं उनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, तो आप बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस डू इट फास्ट बच्चों। यहां पर आपके पास शेड्यूल कुछ इस तरह से दिखता है कोर्सेज का, 1 month, 2, 3 month, 6 month, 12 month के कोर्सेज हैं। इसके अलावा इन सब प्रोसेस में आपको मूव करना है और यहां सब्सक्रिप्शन टाइम पे ध्यान रखना है एसपीजी लाइव कोड हम यूज करें। चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट और पहला क्वेश्चन आपके पास है कि यस क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट 2020 एग्जामिनेशन, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, द मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट, जो हमारा मैक्रोफेजेस हैं ह्यूमन बॉडी में वो क्या मूवमेंट, कैसी तरह की मूवमेंट शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके आंसर मेरे पास सभी बच्चों के सही आने चाहिए और मैं देख रहा हूं सबके आंसर सही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ा हमने, एमीबॉइडल मूवमेंट होती है, मैक्रोफेजेस जो है अमीबा लाइक मूवमेंट शो करते हैं, सीडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट करते हैं शो। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है हमारा, अमीबा में आप जानते हो दिस इज अ सीडोपोडियाज, ये क्या है बच्चा, सीडोपोडियाज हैं। तो ये सीडोपोडिया की हेल्प से अमीबा मूव करता है, तो इसी तरह की मूवमेंट आपको मिलती है मैक्रोफेजेस के अंदर भी, इसी तरह की मूवमेंट आपको मिलती है लीकोसाइट्स में भी। कहां पर, लीकोसाइट जो ब्लड सेल्स होती हैं, तो दीज लीकोसाइट्स आल्सो शो एमीबॉइडल मूवमेंट, राइट है। याद रहना आपको ये सारे एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन के साथ कुछ एग्जाम्पल भी लेता हूं और उसकी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देता हूं ताकि उसके साथ कोई क्वेश्चन ऑफ फ्रेम होगा तो आप उसको कर पाओ, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आए उसमें थोड़े मूवमेंट चेंजेस के साथ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो एग्जामिनर भी उसी माइंड में रख के एग्जाम ट्रेन करते हैं, राइट, क्वेश्चन का फ्रेमिंग करते हैं, राइट। तो इसके अलावा आप ये कहोगे सर इसमें मूवमेंट पॉसिबल है, सीडोपोडिया से होती है, लिकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्मूथ मसल इज क्या है, ये इज फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट ओनली, क्या स्मूथ मसल हार्ट की वॉल में मिलती है खाली, नहीं भाई, हार्ट की वॉल के अलावा आप इनको हम जनरली क्या कहते हैं, दे आर कार्डिक मसल्स होती हैं, नेचर थोड़ा सा स्मूथ मसल जैसा होता है लेकिन दे आर स्पेशलाइज कार्डिक मसल, और क्या स्मूथ मसल हार्डली हार्ट में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट ओनली की वजह से गलत हो जाता है। दूसरा कहता है फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन्स, बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट को छोड़कर जितने होलो ऑर्गन्स हैं, हार्ट को छोड़कर जितने होलो ऑर्गन्स हैं जो आपके वेसल कैविटी में मिल रहे हैं, दैट इज योर दैट हैविंग योर स्मूथ मसल, उनमें स्मूथ मसल्स होती है, राइट। तो मैं थ्रू एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल यहां डिस्कस कर रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल लो आप स्टमक का, राइट, स्टमक इसके स्मूथ मसल होती है इनके पास लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में होती है, तो आपको याद रखना इंटेस्टाइन आल्सो हैव स्मूथ मसल्स, ब्रोंकाई में भी होती है, ब्रोंकाई, राइट, जहां पे आपका ट्रैके डिवाइड करता है उस पॉइंट को ब्रोंकाई कहते हैं, तो ब्रोंकाई वाले पॉइंट पे भी स्मूथ मसल्स होती हैं। और यूट्रस ले लो, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है यूट्रस, तो यूटेरस में स्मूथ मसल्स होती हैं बच्चों, यूरिथ्रा पे भी चले जाओ, यूरिथ्रा आल्सो हैव स्मूथ मसल्स, तो कितने सारे एग्जांपल हो गए, ब्लैडर ले लो, यूरिनरी ब्लैडर है ना, ब्लैडर, ब्लैडर में भी स्मूथ मसल्स होती हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में भी मिलती हैं, कहां पे, ब्लड वेसल्स में मिलती हैं। तो बच्चों यहां पर इन सब चीजें हमें कुछ एग्जांपल्स हैं जहां स्मूथ मसल एग्जिस्ट करती हैं। इरेक्टर पिलाई मसल्स जो हमारे हेयर के नीचे की तरफ इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं वहां पर मिलती है, तो बहुत से एग्जांपल हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल हो जाए याद माइंड में कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। अगर सी क्यों नहीं होना चाहिए, सी क्या है, स्मूथ मसल अटैच टू बोन्स, नहीं, ये स्केलेटल मसल्स होती है जो बोन्स अटैच होती हैं, स्केलेटल मसल्स, राइट, तो हमारा ये आंसर नहीं हुआ। डी की बात अगर करते हैं तो फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ये वॉल ओनली जो वर्ड आ जाता है इस ओनली की वजह से गलती हो रही है, एलिमेंट्री कनाल में है लेकिन ओनली नहीं है। इसके अलावा बहुत ऐसे एग्जाम्पल मैंने लिए जहां पर यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबका आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल से कार्डियक मसल डिफरेंट है, ठीक है। तो अब कहो कैसे सर, तो कैसे डिफरेंट है, तो भैया एग्जैक्टली क्या कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में डिफरेंस कैसे है, कार्डियक मसल स्टीरेटेड है लेकिन इनवॉलेंट्री है, लेकिन जो स्केलेटल मसल है वो स्टीरेटेड है, स्ट्रिप्टेड है, लाइट ओपन है लेकिन वो वॉलेंट्री है। तो आपकी ये मसल कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, जो आपकी इच्छा और के अकॉर्डिंग काम कर रही है, विश ऑफ विल के अकॉर्डिंग काम कर रही है, वॉलेंट्री नेचर होता है। लेकिन जो कार्डिक मसल होती है वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री। आप चाहो कि आपका हार्ट बीट ना करें, आपके हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करें, तो आपकी विश ऑफ विल से क्या वो रुक जाएगा, नहीं, वो इनवॉलेंट्री है बच्चों, राइट। तो एसेंशियली आंसर क्या बना कि कार्डिक मसल डिफर करती है स्केलेटल मसल से,
किस रिस्पेक्ट में? कि कार्डिक मसल स्टीरेटेड एंड इनवॉल्ट्री नेचर की वजह से। बाकी ऑप्शन गलत हैं, स्मूथ मसल बिल्कुल नहीं होगा, इनवॉल्ट्री एक्शन की बात बिल्कुल गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच सेट क्लियरली आइडेंटिफाई स्टीरेटेड मसल, कौन सा इनमें सेट जो है डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है स्टीरेटेड मसल्स को। अब स्टीरेटेड मसल को हम स्ट्रिप्टेड मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिप्टेड मसल्स। स्ट्रिप्टेड मसल्स मतलब भाई वहां पे स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स मतलब लाइट बैंड्स हैं, लाइट बैंड्स हैं और डार्क बैंड्स हैं, लाइट बैंड्स हैं और डार्क बैंड्स हैं। तो लाइट बैंड और डार्क बैंड का स्टीरिएशन आ रहा है, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड के स्टीरिएशन आ रहे हैं। जैसे किसी ने पट्टीदार शर्ट पहनी हुई है, एक काले कलर का पट्टा चल रहा है और एक व्हाइट कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट सो ऑन। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि विच सेट इनमें से कौन सा स्टीरेटेड मसल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये सिलेंड्रिकल होती हैं, बिल्कुल मानता हूं सिलेंड्रिकल होती हैं। ये सिंसिटियल होती हैं, हाँ सिंसिटियल होती हैं, स्टीरेटेड मसल्स जो होती हैं राइट, और अनब्रांच होती हैं। तो फोर्थ आंसर क्या बनेगा बच्चों? फोर्थ आंसर बिल्कुल ए आएगा, सिलेंड्रिकल होता है नेचर इनका। यह देखो हम बनाते हैं, दिस इज सिलेंड्रिकल नेचर, ओके सिलेंड्रिकल होगी अलग 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 शेप इसका राइट। और सिंसिटियल, अब वर्ड जब भी है सिंसिटियल का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएट। तो हमारी जो एग्जैक्टली स्टीरेटेड मसल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं और अनब्रांच भी हैं, कोई ब्रांचिंग यहां पे नहीं मिल रही है। सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएट यानी सिंसिटियल है, अनब्रांच है। स्पाइनल शेप कहां मिलता है? तो आंसर हमें मिल गया, बिल्कुल राइट है, स्पाइनल शेप होता है। जैसे ये वाला हमने डायग्राम दिया स्मूथ मसल का होता है, जल्दी दे आर स्पाइनल शेप, तो पॉइंट टेपर्ड हो, बीच में ब्रॉड हो, स्पाइनल शेप। अनब्रांच, तो ये हमारी जो स्टीरियड मसल्स होती हैं वो स्पाइनल तो होती ही नहीं है, वो स्मूथ मसल्स होती है। तो आंसर यहां भी गलत जाता है। सिलेंड्रिकल दिया है, स्ट्रिप्टेड दिया है सी में, और यूनि न्यूक्लियर, तो यूनि न्यूक्लियर नहीं होती है, ये मल्टी न्यूक्लियर होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। डी में आए, सिलेंड्रिकल दिया है, स्ट्रिप्टेड दिया, ब्रांच दिया, ब्रांच नहीं होती है, इस पॉइंट से गलत हो गया। ऑनली वन ऑप्शन है जिसमें सही सेटिस्फाई हो रहा है सारे ऑप्शन को लेकर। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्टिन प्रोटीन अक्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म, बच्चे इन दो फॉर्म में एक्टिन प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, वो दो फॉर्म कौन सी है आपको पता होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा। तो जब भी आप एक्टिन का डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी के अंदर भी, तो वहां पर आपको जी एक्टिन के बारे में बताया जाता है, जी एक्टिन, इसको जी एक्टिन को कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन, क्या बच्चा? ग्लोबुलर एक्टिन राइट। और डायग्राम देखिए तो सर कैसे होता है, इस तरह से गोले गोले के स्ट्रक्चर है राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर के फॉर्म में है। जब ये ग्लोबुलर एक्टिन, मान लीजिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन जो है एक के साथ लगे हुए सीरीज में, तो एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एफ एक्टिन। क्या कहेंगे बच्चों? एफ एक्टिन। तो एफ का मतलब हो गया फिलामेंटस एक्टिन राइट, फिलामेंटस या फाइबरस एक्टिन, जो पॉलीमर है, जो क्या है? पॉलीमर है। तो हमारे पास आंसर क्या बनता है? पॉलीमरिक हो गया एफेक्टिन, बिल्कुल ठीक है, पॉलीमर एफेक्टिन हो गया, मोनोमेरिक फॉर्म हो गया जी एक्टिन। तो आंसर वन आपका राइट आंसर है। मोनो बी ऑप्शन में क्या दिया है? मोनोमर को एफेक्टिन कहा है, जो कि गलत हो गया है। सी में आओ, टेल एंड हेड की बात कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे दो कंपोनेंट कौन से हैं, तो ये भी गलत हो गया। डी में आओ, एफेक्टिन को और जी एक्टिन को दोनों ग्लोबुलर कह रहे हैं, भाई ग्लोबुलर नहीं है, एफेक्टिन फाइब्रस है, फिलामेंटस है एग्जैक्टली, तो यहां गलती हो गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। सिक्स पे आओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स को बताओ आंसर क्या करोगे, जल्दी से बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सिक्स कैसा है? एन आइसोट्रोपिक बैंड, कौन सा बैंड? एन आइसोट्रोपिक बैंड। भाई एन आइसोट्रोपिक बैंड की जब भी बात होती है तो आपके माइंड में एक चीज जरूर आती होगी, क्या कर सर ये जो है आपके ए बैंड होते हैं, क्या बोलते हैं? ए बैंड। एनसीईआरटी में डायग्राम देखा है, आप खोल के देखना, वहां पर आपको ए बैंड और आई बैंड दिखेगा। आपके एक ए बैंड के लेफ्ट में राइट में हाफ हाफ आई बैंड होते हैं राइट। तो जब हम अगर ये बना रहे हैं, यहां पर इतना आपका ए बैंड है, तो इतना यहां पर छोटा सा अगर यहां से लेकर यहां तक आपने कंसिडर किया ए बैंड, तो यहां पर एक हाफ आई बैंड मिलेगा और इधर एक हाफ आई बैंड मिलेगा राइट। तो हाफ आई बैंड ये हो गया, हाफ आई बैंड हो गया, तो अल्टरनेट मैनर में ये इसके पीछे रहता है। तो आप ये कहो कि सर एनाइसोट्रॉपिक बैंड में क्या होता है? तो एनाइसोट्रॉपिक बैंड के अंदर कुछ आपके एक्टिन और मायोसिन दोनों का कंपोनेंट मिलता है ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पर आपको लाइट जो है दो बार रिफ्रैक्ट होती है। तो अगर हम प्रॉपर्टी की देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ऑप्शन में चार में से, तो एनाइसोट्रॉपिक बैंड कैसे होते हैं? पहली बात थिक होते हैं, देखो लाइट बैंड कैसा है, आई बैंड कैसा है, थिन है।
लेकिन आपका जो ए बैंड है वो कैसा है, एनिसोट्रॉपिक वाला थिक है, कितना थिकनेस है, काफी ज्यादा है एज कम्पेयर, तो थिक हो गए और ये डार्क होते हैं। लाइट बैंड के कंपैरिजन में, आइसोट्रॉपिक के कंपैरिजन में एनिसोट्रॉपिक बैंड डार्क होते हैं, तभी तो लाइट एंड डार्क का अपीयरेंस आता है। अब मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, छोटी सी, याद रहती तो ठीक है, नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं। तो जो ए बैंड है जिसको एनिसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, ए बैंड की अगर टोटल थिकनेस की बात की जाए तो लगभग लगभग 1.5 माइक्रोमीटर के आसपास ये रहता है आपकी मसल्स के अंदर, राइट। तो आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा क्या, आपको याद रखना है बस एनिसोट्रॉपिक बैंड है क्या, थिक और डार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का सी देखो, 7 का क्या आंसर होना चाहिए, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आपको याद आ रहा है कुछ, कहां मिलता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो मसल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एक्टिन मायोसिन, वहां पे ट्रोपोनिन भी मिलता है। ये ट्रोपोनिन क्या करता है, तो ट्रोपोनिन कवर करता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, होता क्या है एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंड करता है जाकर, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंड कर रहा होता है, एक ब्रिज बनता है दोनों का। तो ट्रोपोनिन एग्जैक्टली आप देखें तो हम कहेंगे ट्रोपोनिन कवर द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, जहां जो मायोसिन के थ्रू बॉन्ड बाइंड कर रहा है। और ये ट्रोपोनिन दो चीजों का कंपोनेंट है, इसमें दो चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट है एक्जेक्टली, नंबर वन ट्रोपोनिन एंड नंबर टू ट्रोपोमायोसिन, राइट। तो जो दोनों मिलकर एक रेगुलेटरी, तो ये ट्रोपोनिन तो ये हो गया और दूसरा लिख दिया ट्रोपोमायोसिन। अब ये दोनों जो मिलकर है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बाइंड करता है कैल्शियम प्लस टू आयन के साथ तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जब भी हम कहते हैं कि यस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से आयन की जरूरत पड़ती है, तो आपका आंसर होता है कैल्शियम प्लस टू आयन वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन प्रोड्यूस स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, स्लाइडिंग फिलामेंट की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर और भी चीजें होती हैं खाली ट्रोपोनिन की, ट्रोपोनिन के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है वो देखना है। कंटेन ग्लोबुलर हेड, ये भी गलत हो गया। सीपी आओ, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ट्रोपोनिन और कैल्शियम, लेकिन ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या एग्जैक्टली उसकी बात करना चाह रहे हैं हम। ट्रोपोनिन कवर द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट होती है जहां पर मायोसिन बाइंड करता है उस पॉइंट पर ये ट्रोपोनिन आके बाइंड हो जाए तो कवर हो जाती है एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट होती है, तो इट कवर द बाइंडिंग साइट यानी एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन, सो दैट अब जब ट्रोपोनिन हटेगा तभी जाके बाइंडिंग होगी एंड देन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, ठीक है। चलो सी आपका आंसर क्या बना, डी राइट आंसर है अमंग ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर डी पे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 के अब आगे मूव करते हैं, सार्कोमियर। अब ये डेफिनेशन है सार्कोमियर की, उसको एक दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन जरूर होगी, प्लीज ट्राई इट वंस, एक बार इसको ट्राई करो, आप बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए आंसर का, कि सार्कोमियर का आंसर क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए सार्कोमियर का। तो सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ए मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, तो हम कहते हैं दिस इज योर स्ट्रक्चरल यूनिट, किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रक्चरल यूनिट ये है सार्कोमियर। अब सार्कोमियर में आप क्या देखोगे कि सार्कोमियर कहां मिलता है, ऑप्शन वन पे जाओ, मूवेबल स्ट्रक्चरल यूनिट है विद इन मायोफाइब्रिल बाउंडेड बाय एच जोन, ये तो ठीक है कि मूवेबल स्ट्रक्चरल यूनिट है ये मायोफाइब्रिल के, लेकिन क्या ये बाउंड होती है दोनों तरफ से एच जोन से, नहीं बच्चे, एच जोन तो एक रीजन होता है जहां पे आप पढ़ते हो हैंसिन जोन, राइट, ये उससे बाउंड नहीं होती है। डायग्राम देखोगे मसल आपका सार्कोमियर का तो वहां एच जोन की डिफाइन रीजन मिलेगा जो कि सार्कोमियर के दोनों तरफ नहीं है, ठीक है, वो अलग रीजन है। बी पे आओ, फिक्स्ड स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये पहली बात तो फिक्स नहीं है, मूवेबल है, मूव करती, तो यहीं पर गलत हो जाता है, ठीक है। सी पे आओ, फिक्स, ये भी फिक्स करता है, मूवेबल यूनिट है, दिस इज नॉट फिक्स, फिक्स स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मायोफाइबर विद इन मायोफाइबर बाउंड बाय ए बैंड, बिल्कुल गलत हो गया। डी पे आते हैं, मूवेबल स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिल्कुल ठीक है, विद इन द मायोफाइबर बाउंडेड बाय जेड लाइन, अगर डायग्राम देखते हो तो ये जेड लाइन बना ये और एक जेड लाइन ये बना ये, इनके बीच में आपके पास यहां है मायोसिन का फिलामेंट और ये रहा आपका एक्टिन फिलामेंट, अगर याद आ रहा है ना आपको डायग्राम तो आप याद हो जाएगा, ये पतले वाला एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये वाला एक्टिन है,
ये वाला एक्टिन है, मायोसिन कौन सा है, बीच वाला ये मायोसिन है। तो मायोसिन, अब आप कहोगे सर कौन सा इसमें ए बैंड है, ए बैंड कौन सा बनता है, आपने देखा था ये वाला ए बैंड है, यानी जहां मायोसिन और एक्टिन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है और ये पूरा रीजन यहां से यहां तक का दिस इज योर ए बैंड, और आई बैंड कहां बन रहा है, आई बैंड यहां से यहां तक का बन रहा है, हाफ आई बैंड ये रहा और हाफ आई बैंड यहां बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ए बैंड और हाफ आई बैंड के दोनों की तरफ एक जेड लाइन ये हो गई, एक जेड लाइन ये हो गई और एक जेड लाइन ये हो गई। तो दो जेड लाइन दोनों इस सार्कोमियर के दोनों साइड में प्रेजेंट हैं और ये सार्कोमियर एक मूवेबल स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो आंसर बना हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच मसल प्रोटीन एक्ट एज एटीपीएज। भाई इनमें से कौन सी मसल प्रोटीन है जो एटीपीएज का काम करती है, ठीक है राइट। तो आपको याद रखना है ये कि ना एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन से मायोसिन जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोटीन है या ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें एटीपीएज डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन को बिलोंग करता है। एटीपीएज डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन यानी कि मोटर प्रोटीन है, एटीपीएज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है यहां पर और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। मायोसिन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फॉर मायोसिन रिमेन मास्क बाय। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन का ही फॉर्मिंग है ये, उसी के बारे में बात कर रहा है, बस फ्रेमिंग थोड़ा चेंज है कि जब रेस्टिंग स्टेज होती है कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बाइंडिंग साइट जो होती है एक्टिन की, बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फॉर मायोसिन, मान लीजिए एक्टिन पर, ये मान लीजिए एक्टिन है इस पर मायोसिन आगे बाइंड कर रहा है, ठीक है, या मायोसिन पे बाइंडिंग हो रही है एक्टिन के साथ में, तो एग्जैक्टली जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन मायोसिन की वो रेस्टिंग स्टेज में किससे मास्क हो रही है, कौन है जो उसको कवर कर रहा है, मास्क अप कर रहा है, जब तक वो हटेगा नहीं आपका मायोसिन एक्टिन में बाइंड नहीं कर पाएगा। तो आपको बताया भी था कि ये ट्रोपोनिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रोपोनिन इज द राइट आंसर, 10 का आंसर ए होगा। 11 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन अ मसल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल। तो कैल्शियम का इनमें से कैसे स्टोर हाउस कौन सा है जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है, तो आंसर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंड जो कि मॉडिफाइड ईआर है, क्या ये मॉडिफाइड ईआर है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज मॉडिफाइड ईआर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम राइट इन मसल। क्रिएटिनिन फॉस्फेट बिल्कुल नहीं है, सार्कोसोम तो अलग ही वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सार्कोसोम, अगर पढ़ा हो आपने सार्कोसोम माइटोकॉन्ड्रियल वर्ड यूज होता है, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। तो राइट आंसर क्या है, मसल का जो अंदर एग्जैक्टली को स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफाइड वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ड्यूरिंग फटीग जब थक जाते हो, एग्जॉशन हो जाता है, टायर्डनेस हो गई है, तो क्या है ये, तो ड्यूरिंग फटीग ऑप्शन नंबर 1 मसल कैन नॉट रिलैक्स, ओके, दूसरा मसल फेल टू स्टिमुलेट, यस फटीग जब हो जाती है तो मसल आपकी स्टिमुलेट नहीं हो पाती है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रह जाती है, टायर्डनेस हो जाता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई मसल टू स्टॉप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, नर्व सप्लाई मसल वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, यस वो स्टिमुलेट नहीं हो पाती है, बी ज्यादा अच्छा आंसर है, मसल रिलैक्स तो होती नहीं है फटीग के केस में भी, लेकिन ज्यादा अगर ए और बी में देखें तो बी को हम मूव कर सकते हैं लेकर, एग्जॉशन और टायर्डनेस भी है। 13 को देखो, एक्सोन टर्मिनल ऑफ द नर्व सेल एंड सार्कोलीमा ऑफ स्केलेटल मसल ज्वाइन एट द डैश, कहां पर हमारा जो एक्सोन टर्मिनल है यानी ये हो गया न्यूरॉन का पार्ट, एक्सोन टर्मिनल यानी एक्सोन टर्मिनल न्यूरॉन का पार्ट टर्मिनल पॉइंट हो गया ऑफ नर्व सेल राइट, यानी एक्सोन टर्मिनल एंड प्लेट हो गया, एंड नर्व टर्मिनल हो गया, ठीक है, वो नर्व सेल का ये एंड टर्मिनल सार्कोलीमा ऑफ स्केलेटल मसल पर ज्वाइन हो रहा है, मसल और नर्व का ज्वाइनिंग है, जहां मसल और नर्व की ज्वाइनिंग हो रही है उसको न्यूरो मसलर जंक्शन कहते हैं, ना कि मोटर यूनिट कहा जाएगा ना ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाएगा। सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट दो न्यूरोन के बीच में जो स्पेस है, दो न्यूरॉन जहां ज्वाइन हो रहे हैं साइनेप्स वंडर्स के जो स्पेस मिल रहा है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। एक्शन पोटेंशियल तो कंडक्शन का प्रोसेस है, डीपोलराइजेशन वगैरह एंड ऑल दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा या फिर नर्व्स का न्यूरॉन्स का जो कंडक्शन होता है वहां पर होता है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं, राइट आंसर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 14, हायोइड बोन। अब ये हायोइड बोन इज लोकेटेड, कहां लोकेट होता है हायोइड बोन? आपको पता है कि हायोइड बोन क्या टॉप ऑफ बकल कैविटी, ये बकल कैविटी उसके टॉप पे मिलता है? नहीं, ये टॉप में बिल्कुल भी नहीं था, ये नीचे की तरफ, बकल कैविटी के नीचे की तरफ, जहां ये लैरिंग्स वगैरह और विंड पाइप वगैरह आ रहा है और यहां टंग का अटैचमेंट हो रहा है, तो टंग की मसल्स विंड पाइप से ऊपर से निकल, यहां मसल और नीचे लोअर जा पर, तो इस पॉइंट पर एक यू शेप, एक ऐसी यू शेप, यू शेप बोन होती है, और ये ऐसी बोन है जो किसी और दूसरी बोन से अटैच नहीं है, है ना, ये एक ऐसी बोन है जो किसी और दूसरी बोन से अटैच नहीं है, यहां खाली डायरेक्टली मसल वगैरह से अटैच है, यहां इस कैविटी में प्रेजेंट है, जिसको हायोइड बोन कहते हैं, कहते हैं हायोइड बोन। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, क्या ये टॉप ऑफ बकल कैविटी पर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी है? बिल्कुल बात सही है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या ये इन फ्रंट ऑफ स्कल है? स्कल हमारा ये उसके फ्रंट में, बिल्कुल नहीं है, और बिहाइंड स्कल, ये भी नहीं, गलत है। तो हमारा बेस्ट आंसर बनता है 14 का बी। बच्चों हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज में हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, काफी सारे चैप्टर को ले चुके हैं, हमने क्लास किंगडम से स्टार्ट किया था, हमने टिश्यूज पढ़ाए, हमने सेल साइकिल कवर किया, हमने साइटोलॉजी कवर किया, हमने फिर फिजियोलॉजी पर आए, फिजियोलॉजी में हमने डाइजेशन कराया, फिर हमने रेस्पिरेशन कराया, हमने ब्लड फ्लूड सर्कुलेशन कराया, और अब हम जो स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर, दैट इज योर मूवमेंट एंड लोकोमोशन पार्ट 1। इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 होगा, तीन तीन पार्ट या चार चार पार्ट में हर चैप्टर से बना रहा हूं, और हर चैप्टर के हर पार्ट में मैंने 14 से 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो लगभग लगभग एक चैप्टर पर मैंने 45 से 40 के आसपास या 50 तक भी क्वेश्चन चले गए हैं, जो कि नीट बेस्ड क्वेश्चन है एग्जैक्टली, जो आपको हेल्प कर रहे हैं डेफिनेटली आपके नीट 2020 की प्रिपरेशन में। तो आपको वो सारी सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है, कोशिश करना है मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है, और मेरे साथ डेडिकेटेड स्टडी करने के लिए मैं पूरे कैप्सूल कोर्स के क्रैश कोर्स के साथ आपके साथ आ रहा हूं अनअकैडमी प्लस पर। तो अनअकैडमी प्लस पर आपको सब्सक्राइब लेकर रेफरल कोड यूज करना है SPG लाइव नीट यूजी कैटेगरी में, और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को 10% डिस्काउंट कर लेना है, ताकि आप मेरे साथ क्लासेस कर पाए, मेरी क्लास में प्रॉपर सेटअप आ पाए, अपने डाउट पूछ पाए, अपनी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को इंक्रीज कर पाए, अपने टारगेट को अचीव कर पाए, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं, जो नई क्लास ले रहे हैं, वो जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और हिट करेंगे बेल आइकन को, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और आप हैं स्टूडियो प्लेसिबो नीट अनअकैडमी चैनल पर, एंड दिस इज योर SP गौतम। बच्चों चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चंस करेंगे। आप जब तक पढ़ते रहना, लर्निंग करते रहना, अपनी जो इंफॉर्मेशन हैं, अपने लर्निंग मेथड को रिडिफाइन करना है, बिकॉज हियर SP गौतम रिडिफाइनिंग लर्निंग। बच्चों ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, टिल देन बाय।